गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी मैं बहुत दिन बाद ये बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी ट्रेन जर्नी था। तो आज हो रही है हमारी एक ट्रेन जर्नी। तो अभी बजे 10:30 और मैं हमारी ट्रेन आने वाली है 12:30 बजे। ट्रेन नंबर आपको बता देता हूँ, 12216 बांद्रा टर्मिनल्स दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस है। तो आज पहली बार मैं जा रहा हूँ 3rd AC में। वैसे तो एक बार गया हूँ मैं वेरावल से, नहीं द्वारका से वेरावल गया हूँ। ये 2nd टाइम है, वो भी दिन में, वो रात में गया था, ये अभी दिन की जर्नी है। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको सामान भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो गाइस, हम 1st क्लास में आए क्योंकि गर्दी बहुत थी। ये देखो 1, 2, 3 और ये 4। भाई साहब ये देखो क्या जिंदगी है भाई साहब। ये भी जाती है वैसे, ये सूरत तक जाती है ये वाली। सो गाइस ये देखो अभी 11:08 हुए हैं और अभी 1.5 घंटा और है हमारे ट्रेन को आने में। ऐसे फ़ोटो अच्छा है। हाँ ये देखो फ़ोटो, नई गाड़ी ली है। और ये देखो हमारी गाड़ी आने वाली है, हमारा कोच नंबर है 7A6 के इधर आसपास। इधर 7 का प्लेट नहीं है, डायरेक्ट 8 से 9 से चालू होता है। तो भाई दो नंबर, दो डिजिट गायब है, 8 और 9, शायद 10 है वो दिख रहा है। और भाई ये बोरीवली का स्टेशन। और भाई साहब ये देखो ये TC बैठे हैं फाइन मारने के लिए सबको। ये देखो गाइस लोकल के लिए, यहाँ पर आने वाले शायद कोई लोकल, उसके लिए देखो कितनी पब्लिक आई पड़ी है। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, ये AC लोकल आई है। अभी देखो गेट खुलेंगे और सब धड़ाधड़ बैठे देंगे। ये देखो अभी खुले, ये देखो सारी पब्लिक, इधर जितनी भी पब्लिक दिख रही है सारी 2 मिनट में गुम कुसम खुश। ये देखो गाइस इसके पैरों में कुछ लगा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये लगा है और ये भीख मांग रहा है, बोल रहा है मदद कर दो, बोलो। तो गाइस जब आपने देखा वो लड़की के पैर पर लगा हुआ था, वो भीख मांग रहा है और बोल रहा है सबसे मुझे 500 रुपये की मदद कर दो। बोलो इस ज़माने में कोई दे रहा है 500 के? इस ज़माने में कोई 100 रुपये भी किसी को उधार नहीं देता। और भाई जिसके पास लाख हो ना उसको 1000 देते, जिसके पास करोड़ों हो ना उसको 1,00,000 देते, लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो ना उसको कोई कुछ नहीं देता, आशीर्वाद भी नहीं देता ना। यही बात है भाई आज के ज़माने की, पैसा खून से भी ज़्यादा गाढ़ा है। इसलिए सबसे मैं तो पैसों को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, बाकी किसी को नहीं। ये देखो ये दिख रहा है, ये लगा इसको पता नहीं क्या। ये देखो भाई सामने आई है कर्णावती एक्सप्रेस, तो भाई अपना चला गया है, ईश्वर उसे ठीक करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। ये देखो भाई साहब कुत्ते की तरह ट्रेन में चढ़ना है भाई इन सब का। तो गाइस हम यहाँ वहाँ इधर आए और ये रहा हमारा G7 डब्बा नंबर, वो G8 है ये G7। और यहाँ पर आएगा हमारा इस साइड, इसी साइड आएगा हमारा डब्बा, बोरीवली के एंड स्टेशन पर आ चुके हैं। ये देखो गाइस ये सामने आई है बीकानेर दादर, अभी दादर से बीकानेर आई है या अमृतसर से वो पता नहीं। अभी टाइम तो हो गया है, हमारी भी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, अभी आने ही वाली होगी। सो गाइस देखो हमारी ट्रेन आ चुकी है। गरीब रात G20 20 डब्बों की ट्रेन है भाई है, और अपना G7 है। ये देखो गाइस अहमदाबाद से मुंबई आने वाली तेजस। ये देखो गाइस सीट का कलर क्या उड़ गया है पूरा, और भाई एक नंबर ट्रेन है, मज़ा आ गया भाई बयान बैठे हुए, मज़ा आ गया भाई। अभी थोड़ी देर में आने वाला डानू, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि खाना खा लेता हूँ अभी। वैसे भी बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ में पूरे फंसे पड़े हैं, और सामने चल रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम। ये देखो इस साइड धूप है ज़्यादा और इस साइड बादल काले हुए पड़े हैं। तो गाड़ी हमारी राइट टाइम निकल चुकी है और अभी आने वाले थोड़ी देर में
भाई साहब सूरत स्टेशन देखो गाइस, हमारी गाड़ी बिफोर पहुंच गई है सूरत। देखो इन 13 हुए ना, 10 मिनट पहले पहुंच गई है और सूरत स्टेशन में हो रही है बारिश। वो पूरा भर चुका है, यहाँ से लेकर वहाँ एंड तक पूरा भर चुका है। तो भाई साहब कितनी तेज़ी से बारिश आ रही है बाबा, ऐसा लगता है अब भी डूब जाएगा। इधर देखो पूरा सफ़ेद सफ़ेद है और इस साइड देखो भाई पूरे बादल काले हुए पड़े हैं। वडोदरा साइड तो भाई बूम बाम हमारी बारिश हो रही होगी। और आगे देखो हमारी ट्रेन बिफोर है, अभी 3:16 को निकलेगी यहाँ से। ऑन टाइम हमारी गाड़ी सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलते हुए। और भाई साहब बारिश के तो क्या ही कहने। ये देखो गाइस हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है। अरे कोई तो भी कंपनी है, बारिश में कुछ भी कहो अलग ही मौसम आता है, ग्रीनरी अलग ही होती है बारिश में। ओ भाई स्क्रैप कार्स, भाई अभी आया था सूरत और उसके बाद आएगा भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद और अभी मेहसाणा नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा गांधीनगर कैपिटल। तो बने रहना व्लॉग के साथ, मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ गांधीनगर पे स्टेशन पे ऊपर बना हुआ वो होटल, मुझे बहुत देखने की इच्छा थी। भाई बारिश में ना जिसके पास अंधा पैसा है और ऐसा बंगलों वाला घर है ना वही सुखी है भाई, उसके लिए बारिश बारिश है। ये देखो ये ऐसे फ्लैट वाला नहीं, ये फ्लैट आ गए, ये आपको बंगला दिखाता हूँ वो भी, मतलब जिसके पास बंगला है ना बंगले वाला घर मस्त, नीचे भले कोई भी गाड़ी हो बंगला हो ना वही मज़ा आता है भाई, खुद का टेरेस खुद का रूम सब मज़ा वही आता है। मुकेश काका दे धनादान। ये देखो भाई बारिश में ना ऐसे फ्लैट में रहने में मजा नहीं। ये देखो भाई सामने कोई तभी एक बड़ा ग्राउंड है, फार्मिंग भी चल रही है भाई। और है भाई साहब मोटा पैसा, कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई की, बिल्डिंग अच्छी है भाई, आपको सब नज़ारे बताते जाऊंगा भाई साहब, देखते रहना, मैं भी बड़े दिन बाद देख रहा हूँ। ये देखो भाई ये बोलते बंगलो, इसको बोलते बंगलो। ये देखो भाई इसको जगह बीच में ही सूट के डाला गया है, लेकिन भाई वॉशरूम 10 to 10। और ये देखो भाई
बूम बाम वाली बारिश, और यहाँ पर बाहर हाथ लगाओ गर्मी लग रही है। ये देखो एसी का टेम्परेचर, ये देखो भाई अभी इधर चोट लग गई। गाइस ये देखो कंटेनर ही कंटेनर, जहां पर भी देखो इतने सारे कंटेनर। सो गाइस ये देखो आपको अंदर से ही बता रहा हूँ, भरूच का पुल, नर्मदा नदी नीचे है, नर्मदा नदी, और हम अभी चल रहे भरूच के पुल पर। अभी सब सोए हुए भैया, जगह ऊपर भी सोए, इधर भी सोए भैया के लिए जगह। सो गाइस अभी चाय को टेस्ट करते हैं कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, काम चलाओ चाय, काम चलाओ चाय। सो गाइस बाहर बारिश देखो बड़ी तगड़ी वाली है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। इस साइड भी देखो, इस साइड भी देखो, ऐसे फिरन झोपले पर मतलब झोप ना ले, मग भी खाली उतरले सूरत आलन खाली उतरो ना ले, मतलब पार झोप ये तो कोई तभी गाड़ी आई है सामने, हमारी भी चल पड़ी हरिद्वार एक्सप्रेस। और अरे भाई साहब हरिद्वार एक्सप्रेस, हाँ ये हरिद्वार से आए बांद्रा हरिद्वार। ये देखो भाई ये प्राइस, ये सस्ती, ये जनरल, और ये देखो ये देखो भाई साहब बहुत जोरदार कर दी। ये देखो भाई हरिद्वार एक्सप्रेस, ये थर्ड एसी उसमें आपको रास्ता मिल ही जाता है जिंदगी जीने का। भाई साहब कोहरा देखो भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा है आगे का, इतना कोहरा है भाई। आगे पता नहीं ड्राइवर को कैसे पता चल रहा होगा सिग्नल रेड है ग्रीन है। भाई साहब ये आज नेक्स्ट लेवल चीज दिखी मैंने, कोहरा। ये देखो गाइस अभी वरवाड़िया में बारिश खत्म हो गई, दर्शन के लिए मगजमारी चल रही है भाई। अपन तो नजारे देखो बेस्ट नजारे। सो गाइस हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बड़ोड़ा जंक्शन। वो भाई साहब उस साइड देखो कितनी गिर दी है भाई साहब, लगता है S8 में बहुत ज़्यादा पब्लिक चल रही है। तो भाई इधर देखो, तो गाइस हमारी गाड़ी 10 मिनट देरी से बड़ोदरा के स्टेशन से निकलते हुए थर्ड एसी। तो गाइस ये देखो हमारी गाड़ी इधर बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। ये देखो वंदे भारत, अरे फोकस, वंदे भारत कर दिया है। देखो पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी है और सामने से कोई तो भी गाड़ी आ रही है, बस बस ये देखो यहाँ से आ रही है। सो गाइस आनंद और नड़िया तो मैंने क्रॉस कर दिया है क्योंकि मोबाइल फुल डाउन था, चार्जिंग पर था ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। अभी आएगा डायरेक्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद गांधीनगर, फिर आएगा पालनपुर। तो हम गांधीनगर में मेरी बहन भी आने वाली है चाय लेकर, मैंने लिया गर्मा गर्म कड़क स्पेशल मसालेदार चाय, क्योंकि भाई ये वेंडर लोगों की चाय मैं नहीं पीता। और दूसरी बात ये
कि जोमेटो से भी खाना मत मंगाया करो, क्योंकि जिस होटल से वो खाना आता है वो वहाँ पर मिलता है 100 रुपये में और आपको मिलेगा 120 रुपये में। तो हमेशा ये बात का भी ध्यान रखना, कोई भी ऐप हो, जोमेटो, स्विगी हो या रेल रेस्टो, कोई भी ऐप हो, समझो वो जो होटल में वो 100 रुपये मिलता होगा वो आपको 200 या 250 में मिलेगा, वो अपना कमाएगा लेकिन आपको लूटेगा, इतना समझ लेना है, यानी घर से लेना ही अच्छा है खाना। ये देखो गाइस, हमारी ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन है, ये दिख रही है आपको, उसको शायद उसको भेज देंगे। ये देखो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, उसको पीला है, चमक रहा है, उसको भेज देंगे, लेकिन हमारी गाड़ी को खड़ा कर दिया इधर। देखो गाइस, इसके पहले हमारी गाड़ी चल पड़ी, अरे अभी तो चल रही थी, रुक गई। गुड्स ट्रेन है, देखो सिग्नल बता दिया ना इन्होंने, अभी सामने से भी पीला सिग्नल हो गया है, देखो अभी चल पड़ी हमारी गाड़ी, पैरेलल होगा गुड्स बसेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पैरेलल। ये देखो गाइस, ट्रेन यार्ड, भाई साहब कितने सारे इंजन है, 7-7 10-10 15-15 करोड़ के वेस्टर्न रेलवे, इलेक्ट्रिक लोको शेड, तो कितना बड़ा बना है देखो भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्ट्रिक लोको शेड। भाई साहब यहाँ पर भी देखो, ये भाई सबसे पुराना लग रहा है, इसकी तो सर्विसिंग चल रही है अंदर। भाई साहब ट्रैफिक देखो, हमारे कोच में ट्रैफिक दबा के लगा हुआ है, अभी बैठ भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं, और पहुँच गए हम अहमदाबाद, पहले थोड़ा दूर जाके बात करते हैं। ये देखो गाइस, ओ भाई साहब G7 में तो बूम बाम वाला ट्रैफिक, ये पब्लिक देखो, अरे बाप रे, पब्लिक उतरी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन चढ़ने वाली तो उससे हाथ पार, बाप बाप। ये देखो भाई साहब, मेरा कोच है ना उधर ही भीड़ है, ये देखो आज अंकल भड़क गए भाई साहब। इधर ये देखो, इधर भी लाइन लगी पड़ी है, इस वाले यहाँ पे हार्ट, ये देखो इस वाले कोच, ये G8 है, मेरा G7 है, मेरा ना G7, ये G8 है। तो भाई साहब ने देखा मेरे इसमें कोच में कितनी सारी पब्लिक चढ़ी हुई थी, और भाई साहब कुछ पूछो मत, इतनी भर के पब्लिक चढ़ गई थी, और अभी हमारी गाड़ी 6:45 को आई है और 7 बजे निकल भी जाएगी, चाहे 10-15 मिनट का ही हॉल्ट है उतना मुझे पता है। देखो बोल रहा ना कोई तो भी लोग को है, कौन सा आपको बताता हूँ मैं, WDJ दिख नहीं रहा है पर क्लियर। देखो भाई पेंट वेंट मार के लाया है, मैं दुल्हन बना दिया, WDG4 डीजल पावर। हाँ सर जी, ड्राइव मिलेगा क्या यहाँ से पालनपुर से यहाँ? भाई साहब कोच देखो यार, कोच की हालत टाइट हो गई है, बेचारा कोच भी गंदा हो गया है। देखो गाइस, खुले का खुला ही छोड़ दिया है दरवाजे को, क्या यार दरवाज़ा तो बंद करो, पूरी एसी की हवा बाहर निकल जाती है। भटक क्यों रहे हो, आराम से उतरो या बैठो। तो गाइस, अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी गाड़ी निकलती हुई अभी आएगा, इसके बाद सीधा गांधीनगर। समय से 4 मिनट लेट निकली हमारी ट्रेन। तो गाइस फाइनली पहुंच गए गांधीनगर, देखो ये है गांधीनगर के आसपास का नज़ारा, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा लेकिन वो देखो गांधीनगर का 5-स्टार होटल, बिजली गढ़ की, भाई साहब दिख रहा होगा आपको दूर से 5-स्टार होटल, देखो भाई अभी दिख रहा होगा आपको, हाँ तगड़ा वाला होटल दिख रहा है। ये देखो गाइस गांधीनगर कैपिटल, और इस ये यार रुको, होटल ने ए प्लेटफॉर्म पर आवशी, पहले प्लेटफॉर्म पर आई जाए आशी, अहियाँ देखा था ना एटला पहला प्लेटफॉर्म पर आशी, J&W। अरे यार व्यू ब्लॉक कर दिया यार। तो गाइज हमारी ट्रेन अर्ली है इसलिए 16 मिनट अर्ली है, इसलिए हमें शायद ऊंझा में रोक दिया है, ऊंझा पहुंचे अभी। ये पुलिस वाले पता नहीं क्यों जा रहे हैं, आगे दो जा रहे हैं और पीछे भी दो है उस साइड,
पता नहीं क्या करने जा रहे हैं भाई। ये देखो ये एलिवेटर पे रॉन्ग साइड चल रहा है, ये कब तक घूमेगा। अरे सो गाइस ये देखो अभी आ चुके हैं घर पर, ये लाई थी बाहर से सब्जी। तो होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये देखो भाई कितने बजे, रात के 11 बजे हम पहुँचे।